हेलो एवरीवन, आज मैं बनाने जा रही हूँ पाव भाजी मसाला। उसके लिए मैंने 3 आलू ले लिया था, मीडियम साइज आलू। इसको बॉईल करके इस तरह से मैश कर लिया है। एक गोभी ली है, इस तरह से उसको बारीक बारीक काट लिया है। एक गाजर है, 1 मीडियम साइज़ की प्याज है, 1/2 शिमला मिर्च है, कश्मीरी मिर्च पाउडर है, अदरक लहसुन का पेस्ट मैं थोड़ा सा डालूंगी इसमें, थोड़ा सा खड़ा जीरा भी डालूंगी, नमक है, पाव भाजी मसाला ये मैंने लिया है। चलिए इसको कैसे बनाते हैं सबसे पहले रेडी कर लेते हैं। ये मैंने एक टमाटर भी लिया है, इस तरह से इसको भी कट कर लिया है। सबसे पहले एक कुकर में 2 टेबल स्पून बटर मिक्स कर देंगे। इसमें 1/2 टी स्पून जीरा डाल देंगे। उसके बाद प्याज डाल देंगे। प्याज को गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेना है, बहुत डार्क कलर में नहीं फ्राई करना है, लाइट ही गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेना है प्याज को। इसमें 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट मिक्स कर देंगे। 30 सेकेंड के लिए दोनों को साथ में चला लेना है। इसमें मैंने जो गोभी कट की है वो मिक्स कर देंगे। गोभी को 1 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पे भून लेंगे हल्का सा। 1 मिनट गोभी भूनने के बाद इसमें मैंने जो पोटैटो मैश किया है उसको भी मिक्स कर देंगे। फिर मैं टमाटर और सारी सब्जियां जो मैंने कट करके रखी है, शिमला मिर्च, गाजर, दोनों को भी मिक्स कर देना है। सब्जियों को मिक्स करने के बाद अब इसमें नमक 1 टीस्पून नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद इसमें 2 टेबल स्पून पाव भाजी मसाला जाएगा। थोड़ा कड़वा है, मैं कड़वा नहीं बना रही हूँ। अगर आपको थोड़ा और ज़्यादा तीखा खाना है तो आप लाल मिर्च भी मिक्स कर सकते हैं। इसमें 2 टेबल स्पून पाव भाजी मसाला मिक्स करूँगी। उसके बाद इसमें 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर, ये तीखा नहीं होता है, कलर के लिए मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। थोड़ा सा इसी में फूड कलर भी मिक्स करूँगी। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना। ये झटपट पाव भाजी बन जाने वाली होती है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, कोई झंझट नहीं होती। अब इसमें 1 गिलास पानी मिक्स कर देंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे। इसमें 3 सीटी लगा ली गई है। उसके बाद ये बनकर रेडी हो जाएगी। सब्जियों को मैश कर लेंगे सीटी के बाद। चलिए मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको 3 सीटी लगा देते हैं। इसमें 2 सीटी आ गई, मैं फ्लेम को ऑफ कर दे रही हूँ, इसकी एयर अपने आप निकलने दे रही हूँ। मैंने इसका ढक्कन खोल दिया है। सारी सब्जियाँ ऑलरेडी सॉफ्ट हो गई हैं, क्योंकि मैंने बहुत छोटी छोटी इसको चॉप्ड की थी, एकदम बारीकी। देखिए, ज़्यादा मैश करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें मैं 1 टेबल स्पून बटर और मिक्स कर दूँगी। इसको बस 2 से 3 मिनट के लिए ही मैश कर लेंगे। उसके बाद ये बनकर रेडी हो जाएगी। इस तरह से देखिए, ये भाजी बनकर रेडी हो गई है। बहुत ही अच्छा कलर आया है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। अब इसको बाउल में निकाल लेते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें कसूरी मेथी भी ऊपर से मिक्स कर सकते हैं, थोड़ा सा धनिया की पत्तियाँ, थोड़ा सा बटर और इसमें मिक्स करूँगी ऊपर से, थोड़ा सा नींबू का सन छोड़ देंगे। चलिए भाजी रेडी हो गई, अब दूसरी साइड पाव तैयार कर लेते हैं। पाव सेकने के लिए सबसे पहले एक पैन में थोड़ा सा बटर लगा लेंगे। इस बाद मैंने पाव भाजी वाला पाव लिया है, इसको बीच से थोड़ा सा कट कर लिया है। इसको इस तरह से हल्का सा ब्राउन बीच से ही इसको सेक लेंगे। इसके बाद ये पाव भी बनकर रेडी हो जाएगा। बस इसको 1 से 1.5 मिनट ही सेकना है। मैंने फ्लेम को मीडियम टू लो रखा है। अभी पूरी तरह से सेक गए हैं, बनकर रेडी हो गए हैं। इसको सर्व कर लेते हैं। ये देखिए, पूरी मार्केट वाली पाव भाजी बनकर रेडी हुई। इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। इसको हल्का सा पाव से टेस्ट करते हैं। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है।
बिल्कुल मार्केट की जैसी लग रही है। आप घर पर इसको आसानी से बनाइए और बनाकर एंजॉय करिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।